हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे से होंगे। आज जो है रमज़ान की जो प्रिपरेशंस होती हैं उससे स्टार्ट किया है। थोड़ा सा मील प्लान जो है वो ऐसा है कि स्नैक्स ज़्यादा होते हैं अफ्तारी के टाइम पे, तो उसकी प्रिपरेशन पहले ही करनी पड़ती है। तो आज मैं 2 रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। एक तो वेजिटेबल रोल है और दूसरा जो है कि हर घर में हर अफ्तारी में बनने वाला मिक्स पकौड़े हैं, जो मेरे घर में जिस स्टाइल के बनते हैं वैसे बनाऊंगी। तो पहली रेसिपी से स्टार्ट करते हैं वेजिटेबल रोल से। तो मैंने एक मीडियम साइज़ की बंद गोभी ली है, उसको स्लाइस कर दूंगी और फिर उसको कट इन हाफ में भी काट लूंगी। थोड़े से लंबे हों पर, मीडियम साइज़ के हों पर ज़्यादा लंबे नहीं हों। साथ ही में मैंने जो है वो एक पाव गाजर जो है वो छील के कद्दूकश कर ली है और एक बड़े से बाउल में जो है मैं सारी सब्ज़ी काट काट के मिक्स करती रहूँगी। इसके बाद मैंने 2 शिमला मिर्च ली हैं, उनको भी मैं जो है स्लाइस कर लूँगी। भी शिमला मिर्च के सारे आप बीच निकाल लें क्योंकि ये हेल्दी नहीं होते हैं, तो बस इसको भी पत्ते पत्ते स्लाइस में मैं काट लूँगी। और ये एक ऐसी रेसिपी है जो बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि बहुत कम नमक मिर्च में बनी हुई होती है और मोस्टली अफ्तारी के टाइम पर जो है बच्चे भी बैठे होते हैं, मेरी बेटी बैठी होती है, ऑब्वियसली उसका रोज़ा नहीं होता है तो फिर वो भी कुछ स्नैकिंग मांगती है, तो एक आलू के पकौड़े के साथ एक वेजिटेबल रोल अच्छा रह देता है। तो बस फिर मैं इसमें जाएंगी सिर्फ 4 ही सब्ज़ियाँ, तो एक कैप्सिकम है, कैरेट है, कैबेज है और स्प्रिंग अनियंस है। स्प्रिंग अनियंस का सिर्फ मैंने ग्रीन पार्ट लूँगी और उसको अच्छे तरीके से छोटे छोटे चॉप कर लें आप। अच्छा, इसको जो है मैं सारी सब्जियों के साथ मिक्स नहीं करूँगी क्योंकि इसको इतना ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है स्प्रिंग अनियन को। तो मैंने एक पॉट लिया है, उसमें मैंने ऑयल डाला है और सारी की जो मिक्स सब्जीज़ हैं उनको मैं डाल दूँगी और तो ये शैलो फ्राई तरीके से ही करना है। इतना आपने फ्राई करना है कि इस सब्ज़ियों का मॉइस्ट ख़त्म हो जाए, उसका वाटर कंटेंसिटी जो है वो ख़त्म हो जाए और वो हल्का से फ्राई हो जाए। मिसालों में मैंने जो है वो 2 टेबलस्पून सोया सॉस डाली है और एक 1 टीस्पून सॉल्ट का डालूंगी, हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर और वाइट पेपर डालूंगी। तो ये बहुत ही माइल्ड टेस्ट का होता है, ऐसा होता है कि बच्चे आराम से खा लें और जो बड़े हैं अगर उनको स्पाइसी चाहिए होता है तो साथ में आप चिली गार्लिक सॉस ले रहे हैं या स्पाइसी थाई सॉस आती है वो आप स्प्रिंग अनियन के साथ कर लें, लेकिन ज़्यादातर स्प्रिंग अनियन माइल्ड टेस्ट के ही होते हैं, इसमें इतना ज़्यादा स्पाइसीनेस नहीं होता है। तो अच्छे तरीके से मैंने जो है वो मिक्स कर लिया और फ्राई कर लिया है और ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी स्प्रिंग अनियन स्प्रिंग रोल जो हैं वो डीप फ्राई होंगे, तो वो जो सब्ज़ी थोड़ी बहुत कच्ची भी होगी वो भी पक जाएगी। खैर, मैंने करने के बाद फ्लेम ऑफ़ कर दिया था, फ्लेम ऑफ़ करने के बाद ही मैंने हरा प्याज ऐड किया है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। इस मिक्सचर को जब अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है तो मैंने रोल की पट्टियाँ ली हैं, ये होम मेड नहीं है, मैंने स्टोर बॉट ली है, निम्को की आती हैं, एक पैकेट पूरा आता है 500 ग्राम्स का, मैंने वो लिया है। उसमें अराउंड जो है मेरी इस बैटर से 50 रोल्स मेरे आराम से बन गए थे। तो बस मिक्सचर रखें आप रोल स्प्रिंग रोल के ऊपर, दोनों तरफ से फोल्ड करें और फिर अच्छी तरीके से घुमा दें और मैदे के पेस्ट से जो है उसको सील ऑफ कर दें। मैदे का पेस्ट इस तरह से बनाया है कि 1 टेबलस्पून मैदा लिया है और थोड़ा सा उसे पानी में घोल के पतला सा पेस्ट बना लिया है, ज़्यादा पतला नहीं, बस नॉर्मल सा पतला बनाया है और बीच में फिर रोल को इस तरह से बंद कर रही हूँ कि बीच में पहले बैटर आप पहले रोल की एक पट्टी बिछा लें, उसके ऊपर बैटर रख लें और फिर एक तरफ से फ़ोल्ड करें, फिर दूसरी तरफ से फ़ोल्ड करें और फिर रोल कर दें। रोल करने के बाद जब आप एंड पर पहुँचेंगे तो आप मैदे के पेस्ट से इसको सील कर दें।
थोड़ा ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन एक दफ़ा आपकी बना के आपने फ्रीज़ कर दिया तो फिर आपको रमज़ानों में बहुत मतलब कि आसानी रहती है। किस तरह से आप जो है वो फ्रीज़ करेंगे, तो एक फ्रोज़न बॉक्स लें, उसमें आप पहली लेयर जो है वो रोल की डालें, फिर उसके बाद तो बटर पेपर से रख दें और फिर उसके बाद दूसरे रोल करें। इस तरह से एक दूसरे से वो चिपकेंगे नहीं और फ्रीज़ भी रहेंगे, और क्योंकि एक दूसरे के करीब करीब आप रखते हैं तो फिर ये चिपक जाते हैं और फिर ये फ्राइंग करने में प्रॉब्लम करते हैं। तो थोड़े से स्पेस दे देकर जो है मैंने रख दिया, और बीच में बटर पेपर ज़रूर रखें। और बस फिर हमारा बिल्कुल स्प्रिंग रोल्स तैयार है। आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं 1 मंथ के लिए, और ये बहुत ही अच्छी और नाइस रेसिपी है। जो सेकंड रेसिपी है वो हमारे घर में हर रमज़ान में हर डे बनती है, वो हैं पकोड़े। और हर किसी का अपना अपना वर्जन है। मेरे घर में मिक्स पकोड़े बनते हैं, तो मैंने 1.5 कप बेसन लिया है, उसमें मैं डालूँगी 1 टी स्पून भर के लाल मिर्चें, नमक, गरम मसाला डाला है मैंने, फिर थोड़ा सा चाट मसाला, अपने टेस्ट के मुताबिक आप डालें। हल्दी मैं थोड़ी सी डालती हूँ ताकि कलर येलोइश आए, थोड़ा सा ज़ीरा, साबुत धनिया अपने हाथ से क्रश किया हुआ, और थोड़ा सा पानी में मैं इसको घोल लूँगी। बेसन जो है वो मैंने तकरीबन जो है थोड़ा गाढ़ा घोलती हूँ, क्योंकि मैं इसमें सारे मिक्स आलू और प्याज डालूँगी तो प्याज और आलू अपना पानी छोड़ते हैं, तो थोड़ा सा बेसन मैं गाढ़ा रहने दूँगी। अच्छा, वेजिटेबल्स में जो मैंने लिया है वो एक मैंने 2 स्लाइस की हुई अनियन ली है, एक पोटैटो को मैंने स्मॉल मतलब कि स्मॉल फ्रेंच फ्राइज़ की तरह, बहुत थिन फ्रेंच फ्राइज़ की तरह मैंने काटे हैं, हरी मिर्ची और हरा धनिया डाला है। इस तरह से मतलब कि मेरे घर में इस तरह से मिक्स पकौड़े बनते हैं। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करके जो है मैं रख दूँगी। बेशक आधे घंटे बाद बनाना हो तो आप बाहरी पर रहने दें, और अगर आपने सुबह ही बना लिया है तो आप इसको फ्रिज में रख दें। फिर मैं इसको 1/2 आवर के लिए छोड़ दूँगी ताकि बेसन अच्छी तरीके से नरम हो जाए और घुल जाए अच्छी तरीके से। आधे घंटे के बाद जो है तेल आप गरम किया है मैंने, और जब तक ये तेल गर्म हो रहा है तो आप देखें, मैंने 1/2 आवर के बाद देखा है तो देखें बेसन कितना पतला हो गया है, प्याज़ और आलू ने अपना पानी छोड़ा है, तो इसीलिए मैं गाढ़ा जो है वो रखती हूँ ताकि प्याज आलू जब अपना पानी छोड़ें तो जो है वो अच्छी तरीके से मॉइस्ट हो जाए। अच्छा, ये जो एक टिप है कि आपने जब ऑयल गर्म हो रहा हो तो गर्म ऑयल का 1 से 1.5 चम्मच जो है आपने वो बेसन के अंदर डालना है, इससे क्रिस्पीनेस पकोड़े बनते हैं, अंदर से भी क्रिस्पी, बाहर से क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से बिल्कुल नरम जैसे टेक्सचर अच्छा लगता है बिल्कुल। ये एक बहुत अच्छी टिप है कि आप बेसन के बैटर में ज़रा गर्म ऑयल जो है वो डाल दें और फिर उसके बाद उसको मिक्स करके आप जो है वो पकोड़े बनाना शुरू कर दें। पकोड़े बनाने का ये है कि आपने एक तरफ से हल्का नरम ब्राउन हो जाए तो दूसरी तरफ से पलट दें, फिर दूसरी तरफ से अच्छी तरीके से ब्राउन करने के बाद फिर वापस से जो हल्का ब्राउन का तरफ का पकौड़ा है उसको आप फ्राई कर लें, तो इस तरह से ये अंदर से नरम रहते हैं और बाहर से जो है वो क्रिस्पीनेस रहती हैं, और सबसे अच्छे पकौड़े कहे ही हो जाते हैं जो बाहर से कड़क और अंदर से नरम हो। पकौड़े एक वाहिद चीज़ है जो हर घर में इफ्तारी के टाइम पे मस्ट होती है, शुरू में ज़ोर शोर से खाई जाती है और 15 रोज़े के बाद जो है थोड़ा सा आपका दिल करता है कि नहीं बस सब बहुत हो गए हैं, लेकिन फिर बीच में आपका 25वां रोज़ा जब आता है तब फिर दिल करता है पकौड़े खाएंगे। एक ही महीना होता है जिसमें हम सही मायनों में पकौड़ों को इंजॉय करते हैं, हर तरह के पकौड़े बनते हैं, कभी मिक्स बन जाएंगे, कभी आलू के, कभी बैंगन के, कभी पालक के, क्योंकि सबसे अच्छे जो बनते हैं मेरे घर में जो सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं वो मिक्स पकौड़े हैं, और इनके बगैर हमारे घर में इफ्तारी नहीं हो सकती।
और बस हम बहुत अच्छे बने थे, सुपर्ब थे। और हमारा मिक्स पकौड़े की प्लेटर तैयार है, आप इसको इंजॉय करें। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका एक कमेंट और शेयर लाइक बहुत मायने करता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।